तेल को तो एवरेस्ट फुल देती ले। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल गाड़ी घोड़ा एक्सपेरिमेंट। यार आज है अपने 75 डेज डेली एक्सपेरिमेंट चैलेंज का 60 कम एक वा दिन, यानी कि 59 वा दिन। और आज के इस चैलेंज के अंदर यार आपको पता ही है, अपनी बाइक के अंदर मोस्टर टाई लगाने का पार्ट से किंडे का लाइट ना होने की वजह से यार अपना काम अधूरा रह गया था और पूरा काम नहीं हुआ था। तो फिलहाल हम यार इस चीज़ को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यार हमने क्या क्या काम कर दिया अभी तक, इधर ला मोटर। तो यार यहाँ पे अपना जो चेन स्पोकेट है वो वेल्ड हो चुका है और इसका जो चेसिस है वो आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो इसको बढ़ाते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने बेरिंग का स्टैंड जो है फिक्स कर दिया। अब जो यार हम बेरिंग को अटैच कर रहे हैं इस तरफ, तो भैया जी सिंपल ये इसको ऊपर जाएगा और दो बोल्टों की मदद से टाइट हो जाएगा और फिर जो अपना यार इस साइड का जो चेसिस का काम है वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। बिस पाड़े का करना है तो इस पाड़े को कंप्लीट करके फिर चलते हैं बिस पाड़े। इस पाड़े का भी बेरिंग लग चुका है और ये सारी जो अटैचमेंट हमने इसके साथ में कर दिए, भाई साहब यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके अंदर। ये फिक्स होने के बाद बस बाकी रहेगा अपने पास चेन का काम, उसे कंप्लीट करने के बाद अपनी जो ये 220 फटफटी ये बेर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यार करते हैं इसको फटाफट से अटैच और फिर निकलते हैं राइड के लिए। अपना जो टायर है वो बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है यार, केवल इस फ्रेम के ऊपर तो नहीं टिक पाएगा। तो सिंपल यार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं एक सपोर्ट जिसकी मदद से यार ये काफ़ी हद तक जो है टायर बैलेंस के अंदर रह पाएगा। एक इस तरफ लगाते हैं और एक उस तरफ, बाकी का मामला तो मुझे ओके लग रहा है कि भाई अपनी जो ये मोटरसाइकिल है विथ मोन्स्टर टायर चल जाएगी। लमोटो फटाफट से इसको अटैच करते हुए आ जाओ। अपना जो टायर है वो वाइब्रेट करना बंद कर चुका है, यानी कि यार पहले जितना ज़्यादा इधर उधर हो रहा था उतना तो नहीं हो रहा है। तो भाई लोगों यार अपनी बाइक का जो अगला पेड है उसके अंदर सब शट बायरा नट चुका है, तो उसमें हवा भरते हैं, फिर यार अपनी थार की या फिर कार की बैटरी खोल के लाते हैं, इसके अंदर लगाते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यार अभी थोड़ी बहुत चेन लूज है और उसको स्टार्ट करेंगे तो चेन जो है झटके से टूट सकती है। तो यार ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले हम, बैटरी लगा के इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भरते हैं इसके अंदर हवा, फटाफट आ जा। तो फाइनली गाइस अपनी फटफटी को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या लेके जा रहे हैं मोटे? अपनी जीप की बैटरी। अब इससे क्या करने वाले हैं? अपनी बाइक को स्टार्ट। जेब्बा। तो भाई लोगों यार आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि इतनी सी बाइक को स्टार्ट करने के लिए हमें पूरी थार की बैटरी चाहिए होती है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. क्या हुआ? भैया जी अब करने वाले हम बाइक को सेकंड टाइम स्टार्ट। तो बारे 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 उन्होंने चुट जाए तार मोटा। अरे यार इस बाइक को बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यार, क्योंकि पीछे वाला जो टायर है ना पूरा का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है यार। अभी गिर जाता मैं थोड़ा थोड़ा बच्चे। हाँ भाऊ जी क्या लाग रही है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल एक नंबर लाग रही, एक नंबर लाग रही, एक नंबर लाग रही। तो भाई मज़ा आने वाला सच में, देखते आगे क्या सीन होता है, गोडे वोडे छुलते हैं या नहीं छुलते हैं, हाथते घर पर पलते हैं, वो तो वीडियो में पता पड़ेगा। तो जो भी भाई चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अब लेते हैं भाई इसका पब्लिक रिएक्शन, रोड पर लेके चलते हैं इसको टाटना। तो भाई साहब हम जो अपनी मोस्टर बाइक को लेके आ चुके हैं भाई रोड के ऊपर, और मुझे तो यार अभी से डर लग रहा है कि क्या होगा आगे जाके, कहीं पे गिर ना जाऊं।
क्योंकि सच में यार इसको बैलेंस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये फिलहाल हम वेट करें यार ऐसे आदमी का जो कि यार मोटर को बाइक के पीछे बिठा के और हमारी वीडियो कंप्लीट करा सके। तो भैया जी जयराम जी की तेल को 2 यूरोस फुल देती ले। काफी देर बाहर जागने के बाद एक भैया मिले हमें, तो यार इनकी मदद से हम वीडियो बना लेते हैं। मोटर को बैठा रहा हूँ इनके पीछे और फिर जाते हैं भाई पब्लिक रिएक्शन नोट करने के लिए। चलाना यार काफी ज्यादा मुश्किल काम हो रहा है, मेरे तो हाथ ही दर्द करके इसको बैलेंस में रखना भी यार बड़ा चैलेंज ही है। बाकी यार चल तो सच में काफी मजेदार रही है और लोगों के जो रिएक्शन है ना भाई गॉड एक नंबर ही आ रहे हैं यार। नो डाउट यार अपनी गाड़ी चलने में तो एक नंबर है, बट यार पीछे वाले छोकर लोग होने की वजह से यार इतनी ज्यादा हार्ड चल रही है और छोटा सा भी यार लचका बोल लो या थलेड़ा बोल लो आते यार इतनी ज्यादा अनबैलेंस होती है, ऐसा लगता है कि भाई हम गिरने वाले ही है। बाकी थोड़ी और चलाते और लेते इसका मजा। हाँ तो यार काफी देर अपनी इस मॉन्स्टर बाइक को हमने चला लिया है। आई होप यार भाई लोगों आपको अपनी जो ये मॉन्स्टर बाइक है वो पसंद आई होगी। रो 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 भाई 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 अभी नीचे पड़ जाती हमारी बैटरी फूट जाती का सारा नुकसान हो जाता भाई, पकड़ के रखना यार इसको ठीक है। तो यार भाई लोगों होप आपको ये यार बाइक पसंद आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, लोगों को भी अच्छे रिएक्शन आए। बट यार थोड़ा सा लंबा खिंच गया मामला, 2 दिन इसको बनाने के अंदर लग गए, उसके लिए यार भाई लोगों थोड़ी थोड़ी सॉरी। और ठीक है यार भाई लोगों इस वीडियो को करते हैं हम यही पेंड। अरे यार आपकी बारी, आपके माइंड में भी कोई क्रेजी आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से छोड़ देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।